एमपी के राजगढ़ में किसानों के खेतों में उपयोग होने वाले सभी प्रकार के कृषि उपकरण महंगे आते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ ब्लॉक के छोटे से गांव अमलार के गरीब विश्वकर्मा परिवार में जन्मे एक साधारण से युवक राधेश्याम विश्वकर्मा एक्सन भाई कृषि उपकरण के क्षेत्र में क्रांति लाने का प्रयास किया है। राधेश्याम विश्वकर्मा के द्वारा बोनी मशीन, बोरिंग मशीन, दबा छिड़कने की मशीन तथा कृषि कार्य में आने वाले अन्य प्रकार के उपकरण उनके खुद की एक्शन वर्कशॉप पर बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीण तथा आसपास के किसानों के द्वारा भरपूर लाभ उठाया जा रहा है। इसी संबंध में राधेश्याम विश्वकर्मा से बात करने पर उत्तैक की किसान भाइयों और जिला प्रशासन का यदि सहयोग मिलता है तो वह बहुत जल्द नए आविष्कार के साथ कृषि उपकरण बनाएंगे। सर, हमने ये खेती के हिसाब से बनाई है और गरीब परिवार से मैं ताल्लुकात रखता हूँ, तो समय पे ट्रैक्टर नहीं मिलता है और उसकी बोनी भी महंगी पड़ती है, इसलिए हमने सोचा कि यार एक क्यों ना जब जुगाड़ बनाई जाए। तो जुगाड़ बनाने पे ये हमने चला के भी देखी, बन भी अच्छी गई, अलाइनमेंट भी बहुत बढ़िया आया, इससे बोनी भी करके देख ली हमने। पिछले कितने वर्षों से बोनी कर रहे हैं आप? पिछले अब हम काफ़ी समय से कर रहे हैं, पिताजी ने जब छोड़ से छोड़ा हो संभाला जब से खेती का काम कर रहे थे, छोटा सा बिल्डिंग का वर्कशॉप भी डाल रखा है, तो कुछ लगाया दिमाग तो जुगाड़ संबंधित तो सक्सेस भी हो गई। अब इस मशीन में आगामी क्या फेरबदल करने की योजना आपकी? सर, हमारा ये है थोड़ा आगामी के किसान भाइयों को सारी तरीके से अपन सुविधा दे दें ताकि खेती का सारे काम हो जाए, और वैसे भी खेती के हमने सारे काम कर लिए, इससे लहसुन बोली, प्याज की कनी बोली, गेहूं की फसल बोली, सोयाबीन की फसल बोली, यहाँ तक कि कुल मिला के सारी फसल हमने बोली और उनका रिजल्ट बहुत बढ़िया आया, ट्रैक्टर से 1000 गुना अच्छा आया। ये ट्रैक्टर की लागत में कम है या ज़्यादा? नहीं, ट्रैक्टर की लागत से तो बहुत कम लागत में चलती है। अनुमानित कितनी लागत आती है? अब ये सर 700-800 ग्राम खाता है एक घंटे का। पेट्रोल या डीजल? डीजल से चलती है और वही ट्रैक्टर बराबर चलती है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। अच्छा, ट्रैक्टर से ज़्यादा क्षमता में करती है बोनी? हाँ, ट्रैक्टर से ज़्यादा क्षमता में बोनी करती है, और सबसे बड़ी बात कि इसकी जो बोनी है बहुत बढ़िया जानती है, खेत नहीं मचता है, बोनी वर सारी टिप पे फसल निकलती है, एक भी ऐसा देखे दाना उग जाता है। जमीन पर दबाव भी नहीं है इसका? जमीन पर कोई दबाव नहीं बनता है, पौधे में कोई दिक्कत नहीं आती, फूल के हले निकलता है पौधा। अच्छा, आप इसमें दवाई वगैरह छिड़कने के लिए कोई अच्छा, पंप वगैरह की योजना है? आपने अच्छा सवाल किया सर, अभी हम इस पे स्प्रे पंप भी लगाने वाले हैं जी, तो स्प्रे से भी अपन जो खेती में चलाते हुए भी स्प्रे कर सकते हैं, बड़ी फसल होने पे अपन मेड़ पे खड़ी करके भी इस पे फसल पे स्प्रे कर सकते हैं, और इसका स्प्रे इतना शानदार आता है कि 20 फीट 8 बीघा 8 मिनट में 1 बीघा में स्प्रे कर लिया हमने। और यदि अगर ये आम किसानों को, राजगढ़ जिले के किसानों को इसका फायदा मिला जी, तो क्या उनके द्वारा मांग की जाती थी ये गाड़ी बनाकर उनको उपलब्ध कराएंगे? हाँ हाँ, बराबर बराबर। इसकी लागत कितनी आएगी? लागत सर ये मोटरसाइकिल पे भी बनती है, तो 65,000 से 70,000 रुपये का खर्चा आता है, और अपन ये इंजन पे थोड़ा सा बनाते हैं, इसमें प्रेशर वाला भी सिस्टम लग जाता है, अभी हमने फिलहाल के लिए ये लगाया हुआ है, ये भी बड़ा शानदार है, कोई दिक्कत नहीं आती है, और इसमें अपन प्रेशर वाला भी लगा सकते हैं, इसके पीछे अपन एक ट्रॉली भी लगा सकते हैं जो कि 10-12 कुंटल वजन आसानी से खींच लेती है। आपके गांव का एड्रेस क्या, फुल एड्रेस बताएं जो किसान संपर्क कर सके आपसे? जी 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 सर, मेरा नाम राधेश्याम विश्वकर्मा है, मैं ग्राम अमलार राजगढ़ जिले से हूँ, और लोग मुझे एक्शन भैया के नाम से भी जानते हैं, एक्शन वर्कशॉप अमलार के नाम से हमारा कारखाना है छोटा सा। अमलार तहसील? जिला तहसील पचोर लगती है, जिला राजगढ़। अच्छा। अमलार निनोर के नाम से जी। ये तलेन से कितना दूर पड़ता है? तलेन से सर ये 10-11 किलोमीटर पड़ता है, 10-11 किलोमीटर अमलार जी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।